V3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाया, डिजाइन किया। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली, और वो हर रोज 10:30 बजे तक पढ़ा करते थे। देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस, सो ही हैड टू स्टडी बाय द डिम लाइट ऑफ कैरोसिन लैम्प। तो मिट्टी के तेल का जो लालटेन जो होते थे उस वक्त, उसमें ही वो उनको डिम लाइट जो थी उसमें ही उनको पढ़ना पड़ता था। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंद शास्त्री। स्कूल में इनका एक बहुत अच्छा एक क्लोज फ्रेंड था, वो था रामानंद शास्त्री, हुज फादर वॉज हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के हाईस्ट प्रीस्ट थे, बड़े पुजारी जिसको हम बोल सकते हैं। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लास। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लास, साथ में वो बैठता करते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। एक दिन उनकी क्लास में नए टीचर आ गए। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण, और उन्हें ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि एक मुसलमान एक ब्राह्मण के साथ बैठा हुआ है। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो, और उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया कि वो वहां से उठे और पीछे की बैक रो में जाकर बैठ जाए। रामानंद वॉज द वर्ज ऑफ द टीयर्स। रामानंद जो थे वो बस अब रोने ही वाले थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। द अगौनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद। द अगौनी, अगौनी मीन्स ये जो अत्याचार था, जो ये दोनों के लिए ही सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा था, दोनों को ही इस बात का बुरा लग रहा था। When Ramanand's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. जब रामानंद के फादर को पता चला कि क्लास में जो भी कुछ हुआ वो रामानंद के फादर को पता चला, तो उन्होंने टीचर को टीचर से मिले गए। एंड ही टोल्ड द टीचर वॉट ही हैड डन वुड ओनली ब्रिड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, जिसमें सांप्रदायिकता मतलब जिसमें हिंदू मुस्लिम्स अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो वो उन्होंने ये चीज़ बताया है कि आपने ये जो काम किया है कि उनको दोनों को अलग करके अलग बिठाना, और वो भी सिर्फ इस रीज़न से कि वो एक मुस्लिम है और ये बेटा मेरा हिंदू है, ब्राह्मण है, तो ये जो आपने किया है ये गलत है और ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे सकता है। ब्रीड मतलब पैदा करना। देर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। कलाम की स्कूल लाइफ का एक इंसिडेंट और है, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर। इनके एक टीचर और थे मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर। ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड स्कूल लाइफ सॉरी पर्सन ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड पर्सन थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम, और एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमन, पर वो जो मिसेस अय्यर थी, मिसेस सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स वुमन थी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर हिंदू। सो शी रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना परोसने से एकदम रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थे। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन जो वो टीचर थे मिस्टर अय्यर, उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने स्टूडेंट को बिना किसी झिझक के खाना परोसा। हिज वाइफ वॉच्ड द सीन, उनकी वाइफ ने सीन को देखा। द वेरी नेक्स्ट वीक द She served Abdul Kalam the lunch very happily. From the incident, he learned that perseverance make miracle. जब उनकी वाइफ ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। फिर जब नेक्स्ट ईयर फिर से वो उनके घर गए और उन्होंने खुद अब्दुल कलाम को अपने हाथों से बहुत प्यार से खुशी खुशी खाना सर्व किया। और इस तरह से अब्दुल कलाम ने ये चीज़ सीखा कि परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। किसी चीज़ के लिए अगर हम दृढ़ हैं तो वो मिरेकल कर सकती है, वो चीज़ों को बदल सकती है। यहाँ से जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है चीज़ें,
एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया है कि यहाँ पे क्या प्रिंट है क्या नहीं है. जितना समझ आया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो नेक्स्ट, अब्दुल कलाम ज्वाइन अ बोर्डिंग स्कूल हाई स्कूल एट रामानाथपुरम. ही हेयर ही लर्न दैट समथिंग इज मिसिंग हेयर. बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन आर द कीज टू सक्सेस इन लाइफ. सो अब्दुल कलाम बाद में बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन कर लिया उन्होंने रामानंदपुरम में. वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि बिलीफ एक्सपेक्टेशन आर द की टू सक्सेस इन लाइफ. बिलीफ मतलब भरोसा, एक्सपेक्टेशन मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा, एंड जो तीसरी चीज़ होगी वो पक्का से डिटर्मिनेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से. तो ये सारी चीज़ें जो थी उनको सक्सेस लाइफ में सक्सेस के लिए उनको बहुत ज़्यादा काम आई. उन्होंने इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखा. एंड ही वॉज अ फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमंग द टीचर्स. और अपने स्कूल में वो सारे टीचर्स के बीच में सबसे फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे. ही ऑलवेज रिमेंबर द मोटो ऑफ हिज स्कूल. मोटो ऑफ हिज स्कूल, मोटो मीन्स स्कूल का जो एक लक्ष्य जो था उनका, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे. स्कूल का नाम दिया है बट वो भी मिसप्रिंट है. इट्स नॉट रिजेंबल प्रॉपर. सो वी विल रीड द मोटो. लेट नॉट थाय विंग्ड डेज बी स्पेंट इन वेन. उनके स्कूल का मोटो था लेट नॉट थाय विंग्ड डेज बी स्पेंट इन वेन. आपके जो पंखों वाले दिन हैं आज के, मीन्स आज आप खुले हैं, आप आज हर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों को आप वेस्ट नहीं जाने देंगे. सीधा सीधा ये कहना है कि आपका जो आज का जो समय है आप इसे वेस्ट ना करें. वेन वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक. और एक बार वो दिन जो चले गए उन्हें किसी भी तरह का कोई भी सोना, कोई भी हीरा मोती जेवरात खरीद कर वापस नहीं लाता उस समय को, उस पल को, है ना. तो ये जो मोटो है बेटा आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है कि आज आपके पास जो दिन है आप उसे यूज करें, आप उसे यूजफुल बनाएं, पढ़ें, सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, क्योंकि ये जो समय है ये वापस आपको वापस नहीं मिलेगा. एंड इसके बाद का थोड़ा सा है कि ही वॉज फैसिनेटेड बाय द मिस्टीरियस स्काई. वो आसमान को देख करके बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते थे. फैसिनेटेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे उनको. आप जैसे हमने पढ़ा है कि उनको पक्षियों की तरह उड़ने का, उड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था. तो इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई करनी शुरू करी. और वो MIT ज्वाइन करना चाहते थे. MIT है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मालूम है आपको यहाँ पर कि जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती है वहाँ पर वो एडमिशन करना चाहते थे, वहाँ आगे पढ़ाई करना चाहते थे. साथ ही साथ वो स्पेस में भी जाना चाहते थे, उसकी भी पढ़ाई करना चाहते थे. तो उसके लिए उनको शुरू में MIT ही ज्वाइन करना पड़ता था. लेकिन उस वक्त उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो उतनी फीस पे कर सके. तो उनके फादर ने तो उन्हें कह दिया था कि भाई अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि MIT की फ़ीस हम पे कर सके. तो उनकी जो बहन थी वो सामने आई उनके लिए एक फरिश्ता बन करके, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी ज्वेलरी जो है उनके ऑर्नामेंट्स को बेच करके उनकी फ़ीस पे करेगी. और इस तरह से उनका MIT में एडमिशन पॉसिबल हो पाया. और साथ ही साथ अब्दुल कलाम ने इस बात का वोड मीन्स कसम खाई थी, या उन्होंने प्रण किया था कि जैसे ही वो जितनी जल्दी हो सके वो उनके ऑर्नामेंट्स के जो उन्होंने बेचा था उस पैसे को उन्हें वापस कर देगा. और लकीली उनका वो समय भी आ गया कि जब उन्होंने अर्निंग शुरू हो गई उनकी और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वो जो गहने थे, जो जेवर थे उनकी बहन के, उनको वापस दिलवाए, उस जो खरीद कर वापस उनको दिलवाए. एट एवरी स्टेप्स हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज शेडो. और परछाई की तरह उनका हर एक कदम उनके साथ था और उनको उन
उनके हर कदम पर उन सक्सेस उनके साथ साथ चल रहा था परछाई की तरह। पद्म भूषण देन पद्म विभूषण वर कन्फर्म्ड अपॉन हिम। पहले उनको पद्म भूषण फिर पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया। देन इट वॉज अ फिटेस्ट जेस्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेस्टो भारत रत्न ऑन हिम और भारत रत्न ऑन हिम इन 1997। और 1997 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा। एंड व्हेन ही गॉट दिस अवार्ड ही टोल्ड द मीडिया दैट ही स्टिल रिमेंबर्स रामानंदा क्राइंग इन द क्लास व्हेन आई चेंज टू द रेयर रो। और जब उन्हें ये पद्म भारत रत्न जब उन्हें मिला तो उन्होंने मीडिया से ये चीज़ कहा था कि आज भी वो दिन उन्हें याद है कि जब रामानंद जो उनका बेस्ट फ्रेंड था जिनको टीचर ने उनको उनके पास उनको उठा दिया था वहां से और उस वक्त वो रोए थे। वो दिन भी उन्हें याद है। देन ऑन 25 जुलाई 2002 व्हेन ही वॉज सॉन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द स्कूल सेलिब्रेटेड द डेज एज अ फेस्टिवल। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द असेंबली। टीचर्स शावर्ड प्रेज ऑन हिम एंड एक्सॉर्टेड द स्टूडेंट्स टू इम्यूलेट हिज एग्जाम्पल। एंड 25 जुलाई 2002 को उन्हें प्रेसिडेंट हमारे देश का प्रेसिडेंट बनाया गया और इस दिन को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया। उनका जो स्कूल था स्कूल में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया टीचर्स स्टूडेंट्स को और असेंबली के समय में जो टीचर्स हैं उनकी बहुत तारीफ़ की। शावर प्रेस मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बच्चों को उनको उनका एग्जाम्पल दिया ताकि वो भी उनकी तरह आगे बढ़ सके। सो हियर वी हैड कम्प्लीटेड द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई एम सेंडिंग ग्लॉसरीज एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड exercises also. So all of you write in your notebook. Okay, till then take care, goodbye.